एमआईएम नगर सेवक हम एमआईएम पार्टी की तरफ से आज जो कर्नाटक में हिजाब के ऊपर बवाल चल रहा है, जो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कॉलेजों में पाबंदी की जा रही है, वो पाबंदी के खिलाफ आज सोलापुर एमआईएम की तरफ से हाजी फारूक भाई शाब्दी इनके नेतृत्व में और हमारे सोलापुर एमआईएम टीम की तरफ से आज हम ये निषेध करते हैं और सोलापुर के कलेक्टर साहब को हम निवेदन देना चाहते हैं कि बुर्का हमारा बुनियादी हक है, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी में हमको इसकी परमिशन दी जाती है। उसके बावजूद ये कर्नाटक में उड़पी में ये जो शुरू हुआ, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, हमारी माँ बहनों के खिलाफ जो साजिश कर रही है, इसके खिलाफ हम आज एमआईएम पार्टी की तरफ से निषेध करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं इस आंदोलन का मकसद हमारा ये नहीं कि सोलापुर में कोई तनाव हो, हमारा मकसद ये है कि हमारा बुनियादी हक हमारी माँ बहनें क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी इसके बारे में सरकार, कर्नाटक सरकार हमसे रोक नहीं सकती। इतने सालों से हिजाब और बुर्का पहना जाता है, फिर भी अभी भी ये मुद्दा क्यों उखड़ में आ गया? ये उड़पी के जो कॉलेज में है ना, जो कल का जो वीडियो वायरल हुआ कि एक लड़की जो मुस्लिम महिला ने जो आकर सामने बताया, उसने बताया कि वो बीकॉम सेकंड ईयर में है, लेकिन जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट होने के लिए आया एग्जाम है तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वहाँ के कोई बीजेपी के एमएलए ने इसके खिलाफ मोर्चा किया, उसके बाद से बाहर के कुछ आउटसाइडर मिलकर और थोड़े स्टूडेंट मिलकर ये मामले को, हाँ, बच्चों को एजुकेशन से रोका जा रहा है। और हिजाब पहनने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिजाब मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए। हिजाब से नेमक महत्व का है, महत्व हिजाब जो है कुरान में लिखा गया है कि औरतें सर ढकना अपना चेहरा छुपाना, लोगों को ये पता नहीं कि कॉलेज कैंपस में वो बुर्का पहन कर आती है और जब क्लास में पढ़ते हैं ड्रेस कोड के साथ, मतलब जो अपने कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनते हो, तो ये कर्नाटक सरकार को पता नहीं है। हम चाहते हैं कि सोलापुर में, पूरे महाराष्ट्र में ये कर्नाटक सरकार जैसा कुछ बवाल ना हो। हमारा मोर्चे का मतलब, हमारा आंदोलन का मतलब ये था कि हम बताना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए।